अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, मेरे बच्चों को स्कूल भेज के ये सीढ़ी पे रात में हम जूते उतारते हैं तो जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी अभी इस्त्री वाली आई हुई है जो कि कपड़े प्रेस करेगी, और काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी तो बहुत ही कपड़े जमा हो गए हैं, और कुछ करके भी गई और अभी भी इतने सारे ये जो है पड़े हुए हैं। ये सब कुछ इस्त्री करेगी फिर जितने कर सके, क्योंकि लाइट बहुत जाने लगी है हमारी तरफ, तो जितने करेगी और फिर को कुछ फिर ये कल आके करेगी। और मेरी सिस्टर ऊपर खाना बना रही है तो अभी देखते हैं वो जाके खाने में क्या बना रही है। ये कपड़े प्रेस कर ले, लाइट भी जाने का टाइम है। तो आज रायला बना रही है, मैक्रोन बना रही हूँ। तो होगी कि मेरे कपड़े निकाल ले, ये हंसने ड्रेस पहन रहा है, ये हो गया जो जो होगी को तैयार करते हैं। भी आ जाओ, आओ सड़ी हुई शक्ल क्यों बनी हुई है? होगी हाँ होगी, लगो लगो आज खाने में पता है क्या बनाया? मैक्रोनी। तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल के आने के बाद मैंने फ्रेश करके फिर यहाँ पे खाना दिया है, वो खाना खा रहे हैं। तो स्कूल का पार्ट ये थोड़े एडिटिंग करके बनाए थे, और यहाँ पे मेरी बहन जो है कॉफ़ी बना के आई थी, कोल्ड कॉफ़ी, तो उसने खुद पी है और जो है ना आधा मुझे दिए, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ, वो चाय नहीं पीती, तो वो कॉफ़ी बनाती है तो कभी कभी मुझे भी पिला देती है, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ उसकी कॉफ़ी उसी टाइम बनती है, तो जो है मैं कभी कभी पीती हूँ। इस बार मेरे घर का सामान मेरे हस्बैंड खुद लेकर आए थे, तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं लेकर आए, तो अभी मैं अपने भाई के साथ जाऊंगी। अभी थोड़ा आगे जाके मेरी फ्रेंड के घर मुझे थोड़ा सा काम था, मेरा भाई फिर मुझे वहीं से पिक करके लेके जाएगा, और मुझे कुछ बच्चों के लंच के लिए जो है ना चीज़ें लेनी है। और फिर अभी जा रही हूँ मैं अपने फ्रेंड के घर सामने, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम था, और फिर यहाँ से जो है ना मेरे भाई मुझे पिक करेंगे और फिर हम जाएँगे उस ज़रूरत की चीज़ें लेने। जो लड़की है ना मुझे पानी गरम पिलाती है, देखो गरम पानी तो कौन से जमाने में जीता होगा। यहाँ पे इसने मेरे लिए कबाब बनाए और बर्गर बनाया, ज़बरदस्ती मुझे खाना ठूसती है ये लड़की, और इसका खाना इतना अच्छा है होता है कि भूख ना भी हो तो भी मैं खाती हूँ, पता नहीं क्यों इसके खान हाथ का टेस्ट इतना अच्छा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भूख लग जाती है इसका खाना देख के। और जो है ना मैं खाना खाई भी हूँ तो भी मैंने मैक्रोनी खाई थी और फिर भी मैंने जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा खाया। इसके कबाब बहुत टेस्टी होते हैं, मुझे इसके कबाब बहुत पसंद आते हैं, तो जो है ना मैं बहुत शौक से खाती हूँ, तो ये लाजमी मुझे चाय के साथ में जब पियाँ तो फ्राई करके देती है, और मैं यही करती रहती हूँ और मैं ये करती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ। तो अभी मैं सुपरमार्केट पहुँच चुकी हूँ, बच्चों के लंच के लिए ही कुछ चीज़ें लेनी थी, तो थोड़ी सी चीज़ें लूँगी क्योंकि कुछ दिनों में मुझे वापस फिर आके जो है ना घर का सामान लेना है, तो अभी मैं कुछ ज़रूरत की चीज़ें लूँगी जो कि बच्चों के लंच के लिए होती हैं। मुझे यहाँ से इस बार सामान नहीं लेना क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलती, तो मुझे लेनी खुद चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन इस बार मैं जब से इराक़ से आई हूँ तो मेरे पास कुछ आना जाना लगा हुआ है लोगों का, तो मिलने का, तो इस वजह से टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो इस वजह से मैं यहाँ से लेने आई हूँ। नगेट्स तो ले लेती हूँ, बाकी और चीज़ें हम खुद बना लेते हैं घर पर, तो अभी कबाब जाके हम खुद बनाएँगे, बाकी ये वाली चीज़ें यहाँ से ले लेते हैं।
तो बच्चों के लंच की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, बच्चों के शूज़ का पॉलिश, ब्लू बैंड, चॉकलेट, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना यही लेनी थी मुझे। कॉफ़ी मैंने नहीं ली इस बार, अभी सर्दियों में कुछ दिन हैं तो मैंने कहा बाद में लेकर जाएंगे, अभी मैंने साशे लिए थे, अभी मैंने कहा रायला के पास कॉफ़ी पड़ी हुई भी थी तो जो है ना मैंने 3 साशे ले लिए, और मैंने कहा सर्दियों में बहुत हम पीते हैं तो मैंने कहा सर्दियों में अभी आने वाले दिन तो सामान नहीं आएंगे, वैसे भी घर का तो लेकर जाऊंगी, तो अभी यहाँ पे मेरा बिल हो रहा है, उसके बाद हम जाएंगे आगे थोड़ा आगे जाके, तो वहाँ से मुझे चिकन लेनी है और फ्रूट लेना है, तो फिर चिकन लूँगी ताकि मुझे कबाब बनाने घर जाके, और कुछ थोड़ा सा फ्रूट लेना है। तो ये जो मार्ट है बिल्कुल मेरे करीब है, 10-15 मिनट का है, तो कभी वैसे ज़्यादातर मैं सामान बिन सफ़ीर से ही लेती हूँ, लेकिन जब मुझे ज़्यादा लेना हो तो जो है ना मैं कहीं और जाती हूँ, कभी यहाँ से हमने चिकन लिया, फ्रूट लिया और फिर हम जाएंगे घर, घर के लिए बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं क्योंकि वैसे भी करीब है, मैं आके फ्रेश फ्रेश ले लेती हूँ। तो ये नगर्स लिए थे और ये जो है बन लिए थे कुछ के, मुझे जो है ना बच्चों को बर्गर बना के देने सुबह में, कबाब हम खुद बना के रखते हैं और जो है ना फिर यहाँ पे बच्चों को सैंडविच या कुछ भी बना देते हैं सुबह में, और ये ब्रश थे मेरे बच्चों के ख़राब हो गए तो वो लिए थे, डस्टबिन के लिए शॉपर्स ली थी, और ये कुछ चीज़ें अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे हस्बैंड नहीं लेकर आए, उनको नहीं पता होता कि किस तरह हम सामान लेकर आते हैं, तो जो है ना मुझे तो आदत हो चुकी है खुद अपना सामान लेने की। और यहाँ पे हम बना रहे हैं अभी रात का खाना, उसके बाद फिर हमारे घर पे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमें मिलने के लिए आनी है, तो मैं इराक से जब से आई हूँ तो काफ़ी सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारी फ्रेंड्स आई थी, इवनिंग का टाइम था, मगरिब का टाइम था, और यहाँ पर उनको चाय वगैरह पिलाई, और जो है ना उसके बाद जो है ना काफ़ी टाइम हो गया हमें बातें करते करते, और अभी यहाँ पे हो चुकी है हमें रात, ये हमने मिलाद के लिए घर सजाया था, तो यहीं पे लेते हैं हम इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मम्मा इज़ कमिंग, यस।